नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी फोरम तक में। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एक नए नोटिस के साथ। दोस्तों नोटिस तो मैं नहीं कर सकता, एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मैं आज जो है दोस्तों उपस्थित हुआ हूँ, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन से और उसकी वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। सो ये है दोस्तों सरकारी फोरम तक चैनल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन की जानकारियों के लिए और उससे संबंधित जो है अन्य रिलेटेड जानकारियों के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ें जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से निकल कर आ रही है, जो कि 2023 में इस बार SSC द्वारा ही जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक RTI का रिप्लाई है जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस द्वारा जो है ये RTI का रिप्लाई जो है निकल कर आया है। प्राइवेसी के कारण दोस्तों मैंने इसको हाइड कर दिया गया है, नाम को हाइड कर दिया है। बाकी आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों कि क्या चीज़ें जो है इसके अंदर निकल कर आ रही हैं। सो दोस्तों देखिए, जैसे कि इस RTI को जो है वैकेंसी से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन, कितनी वैकेंसी आएगी उसके लिए जो है इस RTI को लगाया गया था। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस RTI के आंसर के मुताबिक टोटल 7,547 यानी कि 7,547 वैकेंसीज जो हैं इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आने वाली है, जो कि SSC द्वारा सितंबर 2023 में जो है नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, अगले महीने नहीं, उसके अगले महीने सितंबर में SSC द्वारा उसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया जाएगा। अब तक यानी कि अभी जो है लास्ट जुलाई चल रहा है, तो अभी तक लगभग 7,547 पदों की जो है जानकारी वो SSC के पास आ चुकी है, जिसमें से 5,056 मेल के लिए और 2,491 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है अभी तक टेंटिविटिव वैकेंसी, यानी कि ये अभी फिक्स वैकेंसी नहीं है, ये और भी जो है बढ़ने की चांसेस है। अभी दोस्तों करीबन दो महीने हैं और आप जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है इस बार आने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पदों पर। ये वैकेंसी जो है दो महीने में और बढ़ेगी। ये देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी भी दे रखी है। UR कैटेगरी के लिए, EWS, OBC, SC, ST कैंडिडेट्स के लिए, सभी के लिए जो है दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया जा चुका है। उसके बाद 888 वैकेंसीज जो हैं आपको MTS मल्टी टास्किंग सर्विस सिविलियन दिल्ली पुलिस के अंदर ही दोस्तों MTS पदों के लिए 88 वैकेंसी, यानी कि इतनी सारी वैकेंसी जो है देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, इतनी वैकेंसी जो है MTS सिविलियन की कैटेगरी में जो है आपको देखने के लिए इस बार मिलेगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है इस बार आप दिल्ली पुलिस से उम्मीद कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से, और जो है आप तैयारी पे जो है अपने लग जाइए। अभी दो महीने नोटिफिकेशन को निकलने में हैं और आपकी एग्ज़ाम डेट्स भी जो है दोस्तों SSC द्वारा घोषित की जा चुकी है, जो कि आपको लगभग नवंबर में आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि नवंबर के महीने में आपको एग्ज़ाम भी जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंडक्ट होता हुआ जो है दिख सकता है। तो आप अपनी तैयारी को जो है दोस्तों अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें बहुत सारे दोस्तों को जो है मौका मिलने वाला है। और दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूं दोस्तों, तो दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने के लिए जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है होना काफ़ी ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल प्लस जो मोटर बाइक होती है इसकी दोस्तों आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस अपने जो है DL को बनवा के रख लीजिएगा, ताकि आपको आगे चलने में कोई फॉर्म भरने में जो है आपको कोई भी मुश्किल जो है सामना ना हो पाए। आप जो अच्छे से फॉर्म भरें और इस एग्ज़ाम को पास करके जो है दिल्ली पुलिस में जो है भर्ती ले लें। सो दोस्तों यही थी जानकारी जो RTI के माध्यम से आपके लिए मैं लेकर आया था इस चैनल सरकारी फोरम तक में। तो दोस्तों ऐसी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके सामने मैं ऐसी ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर आता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है आपके आने वाली है, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहले पहुंचे, सटीक पहुंचे। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, गुड नाइट।